जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जी के ठीक अप आर्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज का सेशन रहेगा हमारा पार्ट नंबर 4, जिसमें हम कमांड जो हमारी सीरीज चल रही थी ड्रिल एंड कमांड, उस पर हम बात करेंगे। ड्रिल के जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे बना रखे हैं, तो आज हमारा जो है पार्ट नंबर 4 है, 3 आप जाके देख सकते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन और सारे डिस्कस मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया था, आपको आपको जो बाद में दिक्कत आए ना, और साथ ही साथ बाद में आप कहीं और पढ़ो भी ना उन चीज़ों को, है ना। मतलब आप एक चीज़, हाँ मैंने सारी चीज़ कवर कर दी है 3 वीडियो में जो हमारी आज सीरीज चल रही है, आज पार्ट नंबर 4, ठीक है, जिसमें बात करेंगे कमांड को लेके। 3 वीडियो में हमने ड्रिल को लेके बात करी थी सारी, हमने विसर्जन है ना सारी चीज़, मतलब ड्रिल में मूवमेंट कौन सी होती है, बैड हैबिट ऑफ ड्रिल क्या होती है, व्हाट इज द मूवमेंट होती है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है, टाइप्स ऑफ मार्चिंग होती है, उससे भी तमाम मैंने अपनी तीसरी वाली वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख लीजिए। ये लास्ट हमारा पार्ट था जैसे राइट मार्कर एंड व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन राइट मार्कर एंड कदवाल लाइन, तो यू सच अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन, तो यू हैव टू वॉच अवर प्रीवियस वीडियो एंड टिल द एंड पूरी देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, मैंने आपको फोटो के साथ समझाया तो और जल्दी अच्छे समझ में आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कमांड के ऊपर। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या आपको ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कमांड है ना वो चिल्लाना मतलब बेकार है अगर हम किसी के ऊपर ना चिल्लाए, एक समझ रहे हो ना इस तरीके से। तो ऐसी ड्रिल में अगर हम कमांड नहीं देते तो ड्रिल का होना बेकार है, और उसी प्रकार हम कमांड दे रहे हैं तो कमांड खाली देना बेकार है, उसके साथ हमें ड्रिल होनी चाहिए। यानी ना ड्रिल जो है उसके सापेक्ष में ध्यान रखना, उसके जो मतलब हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव चलती है हमारी कमांड, और कमांड की अल्टरनेटिव चलती है ड्रिल। यानी ड्रिल में जब हम चलते हैं तो उसमें कमांड देते हैं, कमांड हमारी किस में करते हैं, ड्रिल में करते हैं देते हुए, तो इसलिए कमांड हमारा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो भी हम आदेश देते हैं कमांड होता है। कमांड का मतलब ध्यान रखना, पहले वर्ड का मतलब समझिए क्या होता है। कमांड कमांड का मतलब देखिए, प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज में, स्कूल टीचर सभी होते हैं, तो आपको कुछ आदेश देते हैं कि बेटा ये काम कर दो, बेटा ये पौधे लगा दो, है ना, तो वो आदेश दे रहे हैं, वो कमांड दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, कमांड होता है, यानी आदेश देता है। घर में मम्मी पापा कुछ खाना मंगाना, बाहर से मतलब कुछ सामान मंगाना, वो सभी चीज़ें है ना, तो वो क्या होती है, कमांड मतलब आदेश दे रहे हैं। लेकिन बहुत से तो नहीं करते, लेकिन जब मम्मी पापा बोल देते हैं ना चाउमिन बर्गर लिया, हाँ मम्मी दे दो मैं चला जाऊंगा, छोटा भाई क्या करेगा, छोटा भाई को पकड़ना ले कोई, मैं चलाता हूँ, है ना, देखो ऐसी चीज़ें तो चले जाते, तो ये क्या होते हैं, कमांड होते हैं। तो एक बार और अच्छे से मतलब समझ लेते हैं कमांड का होता क्या है। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में ये हमारा आम चाल में भाषा है, कमांड का मतलब क्या होता है। अब कमांड का मतलब देखिए क्या होता है, द वर्ड ऑफ कमांड आर सिंबल ऑफ द सम कमांड इन रिलेशन टू ड्रिल। यानी जो हमारी वर्ड ऑफ कमांड है, वर्ड ऑफ कमांड का मतलब जो हम कमांड देते हैं, वो जो कमांड दे रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ओए भाई ये काम ना तू करेगा, यानी आज से तू मोमोस लाएगा, आज से चौमिन लाएगा, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, यानी जो शब्द है ना, यानी वर्ड ऑफ कमांड आर सिंबल ऑफ सम कमांड, यानी जो सिंबल है प्रतीक है किनके, कमांड के, इन रिलेशन टू ड्रिल, ड्रिल के साथ। देखा मैंने आपको बताया ना, रिलेशन से संबंधित है ना, यानी शब्द यानी कमांड के शब्द ड्रिल से संबंध के आदेश के प्रतीक होते हैं। यानी ना द वर्ड ऑफ कमांड, यानी जो मैंने शब्द बोला कि पीछे लौटेगा पीछे मुड़, मतलब तमाम जो एनसीसी में होते हैं कि भाई सारे सीक्वेंस लाइन में खड़े हो जाओ, कोई हल्ला नहीं करेगा, तो मैंने जो शब्दों के साथ ये भाषा दिया, कमांड दिया, आदेश दिया है, तो हमारा क्या होगा, कमांड होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे समझ भी होंगे, सारी चीज़ ध्यान रखना, मैं अच्छे से बताऊंगा एक एक पॉइंट ताकि आपको बाद में कोई डाउट ही ना हो, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कमांड के शब्द ड्रिल से संबंध होते हैं, मैंने आपको बताया ड्रिल के बिना अगर ड्रिल कर रहा है तो उसमें मैं कमांड देते हैं, यानी अपनी मर्जी से इधर भाग लिए इधर से भाग लिए, कमांड होते हैं। जैसे आर्मी में जाओगे ना ऑफिशियल्स, मतलब सेकंड लाइन डिफेंस इज द आर्मी नो टू मच अवेयर अबाउट इट, कि एनसीसी इज नो एट नो एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो बुला सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कमांड का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो कमांड होती है ना उसके भी दो टाइप्स होते हैं, यानी दे आर टू टाइप्स ऑफ कमांड, यानी कमांड के यार ध्यान रखना दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं आराम से बताऊंगा, और अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड पर भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से जो चीज़ होगा ना अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले तो खासतौर पे ध्यान रखो, आप कैंप करोगे ना तो उन चीज़ों को आप कराया जाता है, तो आप अच्छे से, वहाँ कंपटीशन भी होते हैं, तो अभी से तैयारी कर लीजिए, आप अवार्ड्स अवार्ड सब जीतोगे। मैंने भी जीते हैं कभी, मैं एक दिन अपने जो मेरे अचीवमेंट है मैं कभी उन पर बनाऊंगा, जो मेरे को क्या क्या ट्रैक शूट मिले है, क्या क्या मैं शूज़ मिले, क्या क्या मेरे कफ मिले RDC का, है ना, वो सभी मेडल वो तमाम बनाऊंगा, एक चीज़ पहले भी आपकी पढ़ाई हो जाए तो वो अच्छा होगा, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कमांड, कौन कौन सी, एक तो हमारी कोशनरी कमांड यानी चेतावनी, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव यानी कार्रवाई। इस सर क्या कहते हैं आपने, कौन से हमें वर्ड बता दिए, नए वर्ड, हम तो इसी पृथ्वी पर रहते हैं भाई, मैं इसी पृथ्वी वाले वर्ड बता रहा हूँ आपको, मंगल या वीनस वाले नेपच्यून के नहीं बता रहा, ठीक है। तो मैं आप कोशनरी बता रहा हूँ, ठीक है, दो कमांड होती है, एक तो कोशनरी होती है चेतावनी, और एक होती है एग्जीक्यूटिव। अब देखिए आपको पता होगा हमारी जो मतलब जो स्टेट है, यानी दिल्ली, मतलब दिल्ली कह रहा हूँ आपको, जो हमारा देश है वो तीन, जो देश का जो बम्बू है वो तीन तंबू पे टिपा हुआ है, यानी देश का जो तंबू है वो तीन बम्बू पे टिपा हुआ है, आपको पता होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और हमारे जुडिशरी। आपको पता है जब कानून बनते हैं तो उसको देख रेख कौन करता है, कार्य कौन करता है उसके लिए, एग्जीक्यूटिव करती है, तो सेम जो एग्जीक्यूटिव कार्रवाई है उसका कार्रवाई है, आप अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोजरी कमांड का मतलब होता है चेतावनी, यानी मैंने बोला है कि भाई
अभी ये एनसीसी में होता है बेसिकली। अब ये भैया ये मत बोल देना कि ये घर में चाल होता है, कमांड का मैंने बोला घर में यूज होती है, जो हम बोलते हैं वो कमांड ही होती है। लेकिन कमांड दो प्रकार की होती है जो हमारे मतलब एनसीसी में या आर्मी में यूज होती है, जो भी डिफेंस में। तो एक तो हमारी कोर्जनरी कमांड और एक है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कमांड क्या होती है, कोर्जनरी कमांड क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए एनसीसी में जब आप शुरू में परेड करते हो ना, तो आपके जो सीनियर है वो आपको टर्निंग कराते हैं, सिक्स टर्निंग, जो आपको मैं अपने सेकंड नेक्स्ट सेकंड में आपको स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ टर्निंग, टाइप्स ऑफ टर्निंग एंड ड्रिल ऑफ टर्निंग, तो आपको सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसमें एक आपको शब्द बोलते हैं क्या, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, या दाहिने लौटेगा बाएं मुड़, छह प्रकार की होती है टर्निंग, मैं आपको वीडियो से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए ताकि आपको वीडियो से और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये होता है कि अगर हमें चीज़ के बारे में पता है और उसके बारे में कहीं और पढ़ते हैं तो वो अच्छी चीज़ अच्छे समझ में आती है, पहली बार चीज़ें किसी को देखो ना तो वो जल्दी समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो कोशनरी का मतलब होता है चेतावनी, यानी इसमें बोल दिया आपको पीछे लौटेगा पीछे मुड़, यानी मैं यहाँ हूँ, ये आप यहाँ हो। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले होंगे तो आप जल्दी मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप सारे है ना कौन कौन से ईयर के, ताकि पता भी चले, उस हिसाब से मैं आपको लेवल के हिसाब से तैयारी भी कराऊँ, ठीक है। ये मान लीजिए ये, और आपके सीनियर यहाँ खड़े हुए, आपसे बोल दिया सीनियर, इनके सामने फेस है ना, फेस आपका सामने है सीनियर के, तो इन्होंने बोल दिया पीछे लौटेगा पीछे मुड़, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, यानी ये बंदा पीछे मुड़ गया। तो इसने जो आपके सीनियर, उन्होंने दो कमांड मतलब उन्होंने एक सब कमांड दी, क्या दी, पीछे लौटेगा पीछे मुड़। जो पीछे लौटेगा वो हमारी कौन सी कमांड है, कोजनरी कमांड है। कौन सी, कोजनरी कमांड, कोजनरी का मतलब चेतावनी, चेतावनी का मतलब संकेतक। और जो पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, और जो पीछे मुड़ है वो हमारी कौन सी, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी आपकी कार्रवाई। मतलब जो इन्होंने दो कमांड बोली, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, जो पीछे लौटेगा वो हमें क्या, अपने जो हमारे सीनियर है वो हमें संकेत कर रहे हैं, मतलब हमें अटेंशन कर रहे हैं कि आपको कमांड आने वाली है, पीछे लौटेगा बाद कौन सी उस पर कार्रवाई करोगे। तो पीछे लौटेगा ये आपकी संकेत है, यानी आप अलर्ट हो जाओ तुरंत, चाहे कुछ भी बोले, पीछे लौटेगा आगे लौटेगा, जो आगे शब्द आएगा वो हमारा कौन सी होती है, कोजनरी होती है, जिस पर आप कार्रवाई करोगे, यानी पीछे लौटेगा पीछे मुड़, ये वाली पीछे लौटेगा ये हमारी कौन सी होती है, कार्रवाई, यानी इस पर हम कार्य करते हैं, यानी इस पर हम तुरंत पीछे मुड़ जाएंगे। जैसे आपने सीने बोला पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो आपको पीछे लौटेगा पर कुछ नहीं होना, अलर्ट होना है बस। और जैसे उन्होंने बोला पीछे मुड़, उसके एक सेकंड के भीतर ही आपको अंदर हो जाना पीछे, है ना, पीछे लौटेगा जैसे दाएं मुड़ बाएं मुड़, आपको मैं अभी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे इन्होंने बोल दिया दाहिने चल और बाएं चल, तो दाहिने चल हमारी कोच नहीं होगी, कोजनरी कमांड होगी, लिखते रहिए, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमांड, गिव टू टू एग्जाम्पल टू ईच कमांड, तो पूछ सकता है आपसे, लिख लीजिए, ठीक है। दाहिने चलेगा हमारा कौन सी होगी, कोजनरी कमांड, और हमारे बाएं मुड़ यानी जो हमने कार्रवाई किस पे करी है, पीछे वाली कमांड पे, जो पीछे वाली कार्रवाई मतलब उस पर कमांड कार्रवाई करते हैं हमारी कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव कमांड होती है। ये आपको क्या है, ध्यान रखना है, तो आपके एग्जाम पूछा जाएगा आपके सीनियर में, ये सभी मतलब पूछते हैं। तो आप अपना अच्छा सा प्रोफेशन बनाओ, उनके सामने रिजल्ट करो, जब भी तो रैंक पैनल में आओ तो रैंक पैनल उन्हें दिया जाता है, मतलब जो अच्छे से परफॉर्म करता है और एनसीसी को अच्छे चला सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो दो टाइप्स की होती है, कोजनरी कमांड और एग्जीक्यूटिव, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी कैप्ट इन माइंड फॉर अ गुड कमांड, यानी अगर आपको कमांड देनी है, यानी मैं हूँ, अगर मेरे को कमांड देनी है तो मैं कमांड के लिए मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, फर्स्ट ईयर में हो सैनिक सीनियर ही बनोगे, जैसे हम फर्स्ट ईयर में थे है ना, सब खूब मस्ती वस्ती करते हुए, खूब काले पीले हो रहे थे सभी, तो उसमें हमें तो कोई कमांड नहीं आती थी, हमने सीखा, लेकिन थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने बहुत चीज़ें सीख ली, तो उस समय हमें कमांड को देने का तरीका भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पीछे लौटेगा पीछे मुड़, यही होती है कमांड, छह मैं आपको बताऊंगा सिक्स टर्निंग में, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो नहीं पीछे लौटेगा पीछे मुड़ ये अब एकदम नहीं बोलना हमें, तो इनमें कुछ चीज़ है जो हमें पढ़ना है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए तो हमारा किन किन बातों को ध्यान रखना, जब भी हम कमांड दे तो द वर्ड ऑफ कमांड, वर्ड ऑफ कमांड का मतलब बता दी, जो हम आदेश दे रहे हैं शब्द के अनुसार, तो डेट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ कमांड, ठीक है, बाद में दिक्कत ना आए। वर्ड ऑफ कमांड भी यही होती है, आदेशात्मक शब्द, वर्ड का मतलब आदेशात्मक शब्द, ठीक है। द वर्ड ऑफ कमांड शुड बी स्पोक लाउड एंड क्लियर, यानी जो आप कमांड दे रहे हो, चाहे कोई भी दे रहे हो, भाई पीछे लौटेगा पीछे मुड़, सामने से घोड़े की चाल चल, घोड़े की चाल बैठ, ये सभी है ना, ये सभी, तो आपके जो भी मतलब जेडी, ये मतलब जो भी एसडी एसडब्ल्यू के सीनियर है, वो गर्ल्स जो है बॉयज, वो ऐसे कमांड देते हैं, ठीक है। द वर्ड ऑफ कमांड शुड बी स्पोक एंड लाउड एंड क्लियर, जो भी कमांड दे उनको जो कमांड देनी है ना, वो स्पोक लाउड यानी तेज देनी चाहिए और क्लियर देनी चाहिए, ताकि सभी को सुनाई दे, और मतलब सभी को साफ सुनाई दे और सभी को सुनाई दे, है ना, ये ध्यान रखना। यानी शब्द जो आदेश है, यानी जो वर्ड ऑफ कमांड जोर से और स्पष्ट से बोली जानी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या क्या बात है, दूसरा पॉइंट, द कोजनरी कमांड, कोजनरी कौन सी कमांड, यानी चेतावनी कमांड, द कोजनरी कमांड शुड बी स्पोक सॉफ्टली, यानी जो आपकी चेतावनी कार्रवाई है ना, वो उसे आराम से बोलना चाहिए, यानी पीछे लौटेगा
और पीछे पीछे मुड़, है ना, तो पीछे लौटेगा, शुरू वाली है ना कोजनरी कमांड है, यानी द कोजनरी कमांड शुड बी स्पोक सॉफ्टली एंड द एग्जीक्यूटिव कमांड शुड बी स्पोकन फास्ट, तुरंत बोलना है, जैसे पीछे लौटे, जैसे ये है एग्जाम्पल, ये हमारी मैंने आपको बताई कौन सी कोजनरी कमांड, और ये हमारी एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो हमने जो पीछे लौटेगा ये हमारी कौन सी कोजनरी कमांड, और ये हमारी एग्जीक्यूटिव कमांड, एग्जीक्यूटिव कमांड, ये आपको ध्यान रखना है। तो द कोजनरी कमांड हमें तेज बोलनी चाहिए, मतलब सॉरी स्पोकली, मतलब आराम से बोलनी चाहिए, और जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमांड है शुड बी स्पोकन फास्ट, यानी तेज बोलनी चाहिए। तो आप ये देख लेना हिंदी इंग्लिश में दोनों, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरे क्या बात है याद रखनी है, द कोजनरी कमांड शुड बी पुल्ड अप, यानी जो आपकी कोजनरी कमांड है उसको खींचना है, यानी पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तुरंत बोलना है, फास्ट बोलना है, दूसरे अकॉर्डिंग मतलब तीसरे में क्या बोलना है, खींचनी है आपकी जो कोजनरी कमांड है, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो काटना है पीछे वाला, ठीक है, ध्यान रखना उसे लंबा नहीं ले जाना। चेतावनी आदेश को खींचकर मैंने आपको बता दिया, हिंदी में भी आप देख लेना, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, देयर शुड बी सम टाइम बिटवीन द टू कमांड्स, यानी जो हम दो कमांड दे रहे हैं, पीछे लौटेगा पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो उसमें जो टाइम है ना पहली कमांड और दूसरी कमांड के बीच में कुछ क्षण, क्षण का मतलब कुछ बिटिल, कुछ लिटिल बिट टाइम होना चाहिए, छोटा 1-2 सेकंड मान के चलिए, 1 सेकंड के भीतर आपको देनी है, पीछे लौटेगा पीछे मुड़ तुरंत काट देना। तो हमारी कौन सी, ये चार बातें हमें आपको ध्यान रखनी है। पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी कैप्ट इन माइंड फॉर, व्हाट शुड बी कैप्ट इन माइंड फॉर अ गुड कमांड, तो यू हैव टू राइट 5 पॉइंट, देन यू विल, मतलब एग्जामिनर के तौर पे बता रहा हूँ आपको, मतलब क्वेश्चन में तो वही लिखेंगे 5, तो यू विल बी गेट 5 नंबर इफ यू राइट 5 पॉइंट व्हाट शुड बी कैप्ट इन माइंड फॉर अ गुड कमांड। तो आपको चीज़ें ध्यान रखना है। अब मेरे को आपका, मेरे से आपका क्वेश्चन ये है, मैंने मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपके क्वेश्चन जो होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ रहा है टेलीग्राम से वहाँ जुड़िए, आपकी जो भी कॉलेज है वहाँ बता दी जाएगी। अब मेरे को ये बताना है, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, दाहिने चलेगा बाहें मुड़, तो इसमें से मेरे को ये बताना कि जो आपकी कोजनरी कमांड है, कोजनरी कमांड कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए, ताकि आप एक ग्रेड से पास हो, ठीक है, ध्यान रखना। और बाएं चलेगा का ये और ध्यान रखना, जो आपकी दाहिने चलेगा बाएं मुड़, तो इनमें से जो कोजनरी कमांड कौन सी है, और हमें बताना एग्जीक्यूटिव कौन सी कमांड है, जो मेरे को पहले बताया मैं उसको पिन करूंगा ताकि उसका सभी अच्छे से वहां दिखे, ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी को पता चले कि किसने पहले दिया है। तो मेरे को बताना है कि दाहिने चलेगा बाएं मुड़ में से कौन सी कोजनरी कमांड है और कौन सी एग्जीक्यूटिव है। अब आपने दो चीज़ें समझ ली, कमांड कितने प्रकार की होती है, दो, कोजनरी और एग्जीक्यूटिव टाइम, मतलब आपने ये भी समझ लिया कि मतलब अच्छी कमांड देने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो एनसीसी में भैया इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पहली बता रहा हूँ, सिक्स टर्निंग जो आपको टॉप यहाँ पार्ट दिख रहा है इसका, ड्रिल एंड कमांड का टॉपिक, इसमें ये भैया इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम जरूर पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में, तो खासतौर पर चीज़ है, ठीक है, अब ध्यान रखना। अब जो सिक्स टर्निंग, टर्न सिक्स का मतलब आपको पता ही होगा, कोई आप बाहर से तो आए नहीं हो, जो रोमन में पढ़ोगे ऐसे सिक्स ऐसे लिखते हैं ना, फिफ्थ सिक्स, हाँ ऐसे लिखते हैं, तो अब ऐसी चीज़ें तो पढ़ोगे ना, आप देसी वाले हो तो देसी में सिक्स तो आपको पता ही होगा, छः को कहते हैं, तो सिक्स का बिल्कुल छः को कहते हैं। टर्निंग का मतलब टर्न होना, टर्न का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि मामा जब आ जाते हैं, हम बाइक से जा रहे हैं, मामा आ जाते हैं और हमें जैसे ही कट मिल जाता है तो हम कूट कट ले देते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप बाइक पर सवार हो यहाँ से, या आपने मर्सिडीज निकाली BMW, और यहाँ पर भैया मामा खड़े हैं, अब भैया मामा खड़े हैं लेकिन मामा पहले से यहाँ एक कट है, यानी ये कट है इधर, अब भैया आपने कट मार दिया, टर्न ले लिया, टर्न ये टर्न ले लिया ऐसे, भैया पता भी नहीं चला कि तूफान से भी तेज आपने ले लिया, तो ये टर्न लिया, इस प्रकार के टर्निंग होते हैं। तो ऐसे ही हम एनसीसी में टर्न लेते हैं, तो आपको सिक्स टर्न लेते हैं, वो आप कौन कौन से लेते हैं मैं आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू, पहले आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो सिक्स टर्न होते हैं, देयर आर सिक्स टर्निंग इन एनसीसी, आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टर्निंग इन एनसीसी, तो व्हाट विल द आंसर फ्रॉम माय साइड, देयर आर सिक्स टर्निंग इन एनसीसी, विच वन, तो आप बता दोगे कौन कौन सी, वो देख लीजिए, पहला कौन कौन सी, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, अभी बताऊंगा सारी एक चीज, ठीक है, पहले पस पढ़ लीजिए, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, आगे बढ़ेगा बाहें मुड़, है ना, सी है बाहें चलेगा बाहें मुड़, और आगे बढ़ेगा चौथी है दाहिने मुड़, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, आगे लौटेगा पीछे मुड़, तो ये सभी हमारी दिस काइंड ऑफ कमांड आर सिक्स टर्निंग टू इन काउंट, है ना, इन काउंट टू सिक्स टर्निंग, तो इस हमारी जो सिक्स कमांड है यही हमारी क्या होती है, सिक्स टर्निंग होती है। अब ये कमांड मैंने जैसे बोला आपको, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, बाएं चलेगा बाएं मुड़, आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, और पीछे लौटेगा पीछे मुड़, या आगे बढ़ लौटेगा पीछे मुड़, अब ये कैसे यूज होती है सर ये तो बताइए मेरे को, यार ये मैंने फोटो लगाई है, अब देखते हैं चलती नहीं चलती, लेकिन हाँ भैया चलेगी, क्योंकि मैंने ना आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ, तो आपको चलवानी है, मेरे को सिखानी भी है, ठीक है, तो बस आराम से देखना, जो मैंने यहाँ पर कमांड लिखी है ना, तो उनको गौर गौर से सुनना, लेकिन मैं ही बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आती रहे। तो पहले दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ये सभी समान एक साथ होगी, दाहिने चलेगा ना, फिर आगे बढ़ेगा, फिर बाएं चलेगा, सीक्वेंस में होगी सारी। अब ये देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स प्ले स्टार्ट।
अभी देखो पहली कमांड आएगी दाहिने चलेगा दाहिने मूड, ठीक है? नहीं पहले तो सावधान कराएंगे, सावधान पोजीशन पे ही कार्रवाई होती है। चलो एक पॉइंट और अच्छे से आ गया समझ में आपको। पहली कमांड पूरी होने जा रही है, पहली कमांड पूरी हो चुकी और छिक पर भी होता है सारी चीज़, ये देख लीजिए। छिक पर हमें पैर मारना होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, ये हमारे कॉलेज की है और सामने मैं ही हूँ, आपको ज़रूर पता होगा। ज़रूर बताना कि हमारी ट्रेंडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर। ये तीसरी कमांड हो गई, अब चौथी आएगी, आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़। ठीक है, ये चौथी हो गई, पांचवी आएगी पीछे लौटेगा पीछे मुड़। ठीक है, ये भी देख लो, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, ये देख लेते हैं। अब ये जो पैर हमारा पीछे टर्निंग लिया, अब ये जो पैर है मेरा पीछे वाला, ये अब इसको हम छिक पे ही लेते हैं सारे आगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देखो है ना, अब हम जो लेंगे, अब लेंगे आगे लौटेगा पीछे मोड़, है ना? यानी पीछे है ना, आगे लौटेगा पीछे मोड़, उसके बाद फिर हम छिक पर सारी कमांड लेंगे। तो देखा ये हमारी है, उसके बाद विश्राम होकर हम विसर्जन हो जाते हैं ना, जो भी है। तो ठीक है, ये हमारी होती है सिक्स स्टैंडिंग, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है? एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है? पहली कौन सी थी, दाहिने चलेगा, पहले सावधान हुए उसके बाद हम टर्निंग लेते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है? और सिक्स स्टैंडिंग जो होती है ना, जब आप कॉम्पिटिशन करोगे तो छोटी लेवल है, सारी चीज़ बताऊंगा एक एक साथ, जी वीडियो आपको पूरी फैश की दिखाऊंगा, ठीक है? सभी आपको समझ में आएगा। तो दाहिने चलेगा दाहिने मोड़, तो इसमें पहले हम सावधान होंगे, फिर अब देखिए एक बार कमांड और अच्छे से बता दूँ। पहला पॉइंट, अब दाहिने चलेगा दाहिने मोड़, अब दाहिने चलेगा दाहिने मुड़ के सारे, अब उसके बाद छीक मारेंगे सारे, ये है ना ये। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपने ना अच्छे से समझा होगा और दिल से समझा होगा ना, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना यार, मोटिवेट मिलता है ताकि और अच्छे से आपको चीज़ मैं प्रोवाइड करूँ ताकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, है ना? चलिए ये आप समझ गए, सिक्स स्टैंडर्ड हमने बात कर ली, क्या क्या हमने कमांड की बात कर ली, टाइप्स ऑफ कमांड एंड शुड बी कैप्ट इन फॉर अ गुड कमांड, और सिक्स स्टैंडिंग की बात कर ली, तो दे आर सिक्स स्टैंडिंग, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि जो दाहिने चलेगा हाई मोड इसमें कौन सी, सॉरी दाहिने चलेगा बाएं मोड में कौन सी एग्जीक्यूटिव है और कौन सी कोजनरी कमांड है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सारे, ठीक है? ध्यान रखना। चलिए बात कर लेते हैं हमारे जो ड्रिल और कमांड में कौन कौन से आते हैं। अब सबसे मेन जो है हमारा क्या है, अटेंशन एंड स्टैंड इजी, है ना? स्टैंड एट इजी इज स्टैंड एट इजी, यानी सावधान और विश्राम। अब भैया काफ़ी इनमें कन्फ्यूजन होती है, हम स्कूल में तो बहुत पढ़ते थे, स्कूल में मतलब ये पाँचवीं छठी में हम तो खुद याद रखता सावधान विश्राम, मेरे को भी कन्फ्यूज होती थी, हम पाँचवीं क्लास में था, तो सावधान में जो मतलब विश्राम में पैर पहला लेफ्ट आता राइट आता है, तो आपको बता दूंगा, ठीक है? ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और आज भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है? ध्यान रखना। तो इसमें हम बात करेंगे अटेंशन और सावधान और विश्राम में क्या क्या है, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आपको चीज़ें मैं ना सारी डीपली बता रहा हूँ, है ना, विद पिक्चर के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अटेंशन, सावधान, और सावधान का मतलब होता है कि एक जगह आप खड़े हो जाओ, अब क्या क्या है वो ध्यान रखिए, अब मैं पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, सारी चीज़। तो सबसे पहले सावधान में क्या होता है, इन केयरफुल्ली, मतलब बिल्कुल शांत ध्यान से, बोथ हैंड शुड बी डाउन इन फिस्ट क्लोज, यानी दोनों जो हाथ है ना वो नीचे की तरफ होने चाहिए और जो फिस्ट है उंगलियां वो बंद होनी चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो ऐसी हो है गर्ल्स, ठीक है? अब ये नहीं पता, मेरे फोटो मिल गई थी मेरे को, मैंने ले ली पीडीएफ में। अब ये देखिए ये जो गर्ल्स है, अब इसके जो हाथ देख रहे हो ना, ये जो हाथ देख रहे हो शुड बी मतलब शुड बी डाउन नीचे की तरफ है और जो उंगलियाँ हैं बिल्कुल डाउन है, मतलब क्लोज हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्लियर, यानी सावधान में दोनों हाथ जो नीचे की तरफ होंगे और फिस्ट होगी क्लोज होगी, यानी जो मुट्ठी है वो बंद होगी ऐसे, ये देख रहे हो, ये ध्यान रखना, ऐसे होती है ये, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, द थम ऑफ द हैंड, यानी जो थम है ना अंगूठे के ऑफ द हैंड शुड बी बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, शुड बी बिहाइंड द सीचीज ऑफ द पैंट, यानी जो आपके थम है अंगूठे है वो पीछे होने चाहिए, नीचे तो होंगे ही पैंट के पीछे होने चाहिए, यानी आप जब एक पैंट होती है ना तो पैंट में सिलाई होती है, यानी जैसे मैंने ये बना दी पैंट, ये मान लीजिए आपकी जेब है ना, इसमें 500 रुपये पड़े हैं, मैं निकालने का मन तो है नहीं, निकाल ही नहीं सकता, अगर होते तो मैं निकाल भी लेता, है ना? चलिए ये आपकी पैंट होती है, ये पैंट, तो इस पैंट में अपना हाथ यहाँ पर रखते हैं, हाथ जो होती है ना अंगूठी इसके पीछे रखते हैं अंगूठी, यानी इसके आगे ले जाते हैं, इसके साथ करते हैं, तो है ना? तो यही बोल रहा है कि द थम ऑफ द हैंड शुड बी बिहाइंड द सीचीज ऑफ द पैंट, यानी हाथ के अंगूठे पैंट की सिलाई के, पैंट की जो सिलाई होती है उसके पीछे होनी चाहिए, यानी यहाँ पर, यहाँ फोटो तो दिख नहीं है, टर्न करा नहीं सकता मैं, है ना? तो यहाँ पर, तो ये हमारी क्या होती है, थम पीछे होता है। तीसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या रखना है, इन केयरफुली द एंकल,
द एंकल शुड बी मिक्स्ड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री शुड बी मेड बिटवीन द टोज। यानी जब साधारण पोजिशन में होते हैं तो हमारी दोनों एड़ियाँ तो क्लोज होती है, यानी जुड़ जाती है, पीछे देख रहे हो ना, अब दोनों एड़ियाँ चिपकी हुई है पीछे से, है ना। और लेकिन जो पंजे हैं उनको खुल रहा है, पंजे जो खुले हुए हैं, तो जो पंजे खुल रहे हैं ना, ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और यही आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी एंगल मेड बिटवीन द टेक अ पोजिशन ऑफ अटेंशन, यानी अटेंशन पोजिशन लेते समय उसमें जो एंगल बनता है विद इन इन टोज बिटवीन टोज, है ना, पंजों के बीच में, तो अंगूठे के बीच में कितने डिग्री का बनता है, तो 30 डिग्री का भैया एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने बोल दिया एग्जाम पूछा जाता है, आपके फर्स्ट ईयर होगा पूछा जाएगा, आपके जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सावधान का बता दिया, अब बात कर लेते हैं विश्राम, यानी जिसे हम स्टैंड इजी कहते हैं, है ना। तो बहुत से तो इंग्लिश में नहीं जानते, विश्राम को विश्राम ही जानते हैं, ठीक है, स्टैंड इज, तो इसको हम विश्राम में पढ़ते हैं। अब देख रही, ये तो हमारी पोजिशन थी सावधान की, है ना, सावधान इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं विश्राम की, तो विश्राम में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, देखिए, इन दिस पोजिशन बोथ द हैंड शुड बी बिहाइंड, यानी इन दोनों स्थिति में, यानी जब हम विश्राम की पोजिशन होते हैं उसमें दोनों हाथ पीछे होते हैं। अब ये वाली पिक्चर मत देख लेना, बोलो सर ये वाले आप तो आगे दिखा रहे हो, नहीं भाई ये वाली पिक्चर देखो आप, ठीक है, सेकंड पिक्चर, तो इसमें देख रहे हो दोनों हाथ पीछे की तरफ है, यानी पीछे, अब मैं देख नहीं पा रहा पीछे हाथ, है ना, ये देखिए पीछे हाथ है दोनों तरफ। दूसरी पोजिशन, दूसरा पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इन दिस सिचुएशन, यानी इस विश्राम की स्थिति में एन एंगल ऑफ 12 इंच ऑफ द फॉर्म बिटवीन द एंकल एंड 18 इंच बिटवीन द टोज, यानी जो आपके इसमें जो एंगल बनता है, यानी इसमें जब दोनों इसमें तो चिपके हुए थे टेंशन में, एड़ियाँ चिपकी थी, लेकिन इसमें ना तो हमारे एंकल चिपके हुए हैं और ना ही हमारी टोज चिपकी हुई विश्राम इसमें स्टैंडीज में, तो इसमें जो हमारी एड़ियाँ हैं, एड़ियाँ 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 एड़ियों के बीच जो हमारा इंच, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनना है, इंच में नापा जाता है, तो ध्यान रखना कितने डिग्री का बनता है, 12 इंच का बनता है, ये एग्जाम पूछा जाता है तो लिख लेना। और जो आप पंजा देख रहे हो यहाँ पंजा, तो पंजों के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है कितना, 18 इंच। तो यही पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टोज एंड एंगल टोज एंड एंकल इन द स्टैंड इज पोजिशन, तो आपको ध्यान रखना है एड़ियों के बीच जो बनता है 12 इंच का बनता है, और सावधान में ओ विश्राम में बनता है, मतलब विश्राम में जो आपका एड़ियों के बीच जो बनता है 12 इंच का बनता है, और पंजों के बीच बनता है 18 इंच का। लेकिन सावधान पोजिशन में जो आपके पंजों के बीच का एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री, आपसे पूछा जाएगी सावधान पोजिशन में एंकल के बीच कितना बनता है एड़ियों, मतलब एड़ियों के बीच, तो आपको ध्यान रखना आंसर रहेगा 0, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया, और एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, और ध्यान रखना तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, इन दिस पोजिशन, यानी विश्राम की पोजिशन में लेफ्ट फुट 6 इंच इन एंड कैप्ड 15 इंच टू द लेफ्ट, यानी आपको क्या है, एक स्थिति में जो बायां पैर है, बायां पैर मतलब आप देखो यहाँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर ये बायां पैर है, यानी ये लेफ्ट पैर है, ये लेफ्ट पैर है ना, बायां पैर 6 इंच ऊपर उठाते हैं हम इसे जब हम विश्राम होते हैं, यानी सावधान, मान लीजिए सावधान पोजिशन में, अब सावधान पोजिशन में विश्राम पोजिशन में आना है, यहाँ पैर लाना है, तो ऐसे पैर में जो आएंगे ना 6 इंच तो ऊपर उठाएंगे, और 6 इंच ऊपर उठाएंगे, 6 इंच तो हमारा ऊपर उठाएंगे, और जो यहाँ से यहाँ 12 होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 12 इंच हो जाएगा, है ना, 12 इंच उठाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद भी करता हूँ अच्छे से। अब बात कर लेते हैं भैया विसर्जन एंड लैंड लाइन तोड़ में क्या अंतर है, भैया ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कुछ करो ना मत करो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, चाहे आप ए एग्जाम में दे रहे हो, चाहे बी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सी एग्जाम दे रहे हो, भैया पूछा जाता है कि बहुत से जो कैडेट्स हैं ना आर डे नो डू नॉट डिफाइंड या डू नॉट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सच वर्ड व्हाट फर्स्ट वन विसर्जन एंड सेकंड वन लाइन तोड़, तो मैं आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है, आने वाली वीडियो में बताऊंगा आराम से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो विसर्जन और लाइन तोड़ में अंतर क्या होता है, विसर्जन का मतलब एक ऐसे समझिए, विसर्जन का मतलब देखिए, अब एक लेना तो नहीं चाहिए लेकिन आप अच्छे से एग्जांपल के थ्रू मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप कोई मर जाता है तो उनकी जो अस्थियाँ हमें विसर्जन करते हैं ना, तो उस चीज़ से मतलब जी मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, विसर्जन है ना, अस्थियाँ मतलब वो करते हैं गंगा जी आते हैं तो उन्हें विसर्जन करते हैं, यानी समाप्त करते हैं उस चीज़ को, मतलब जो आत्मा होती है मुक्ति लेके लिए हम उनको समाप्त कर देते हैं, मतलब वो विसर्जन करके, तो वो एंड ऑफ कार्रवाई होती है विसर्जन। आपने अंत्योष्टि सुना हुआ है ना, अंत्योष्टि हमारी जो 16 संस्कारों से एक होता है अंत्योष्टि, जो हमारे हमारा उसमें होता है मतलब अस्थियों को बहाना, तो विसर्जन होता है समाप्ति होता है ना, ये ध्यान रखना। और लाइन तोड़ का मतलब होता है कि ये समाप्ति ना होकर एक कार्रवाई होता है ना, लाइन तोड़ में हम कार्रवाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो विसर्जन में पहला पॉइंट ध्यान रखना है, विसर्जन जो है ना विराम ना होकर प्रेड़ की समाप्ति होती है। अब ध्यान रखना जो विसर्जन है हम ना प्रेड़ में करते हैं, प्रेड़ का मतलब मान लीजिए देखिए ये एक ग्राउंड है, आपको ना एग्जाम्पल की चीज़ें समझानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए ये प्रेड़ है और यहाँ भैया बच्चे हैं, बच्चे का मतलब कैडेट्स है, एस डी एस डब्ल्यू जो भी है ना, यहाँ सभी है, एस डी एस डब्ल्यू है, अब यहाँ सीनियर है,
मतलब जो भी है, ठीक है। तो विराम जो विसर्जन है ना, विसर्जन शब्द है, विसर्जन ऑफ जो विसर्जन शब्द है ना, अपना आप में एक जो है ना एंड ऑफ वर्ड है, यानी समाप्ति का वर्ड है, एंड ऑफ वर्ड है, ठीक है। एंड ऑफ वर्ड यानी एक समाप्ति का वर्ड है, मतलब अगर हमने कहीं से यूज कर लिया ना तो उसका मतलब होता है कि कार्यवाही समाप्त करो। बट ये यूज कहाँ होता है, ये ध्यान रखना कहाँ होता है, एनसीसी में या अपने आर्मी में होता है। अब भैया घर में मत बोल देना विसर्जन जो कर रहे हो वो छोड़ दो, नहीं यार ऐसा नहीं होता, कभी बोल मत देना, एक बार ट्राई कर लेना, एक बार पता नहीं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए, तो पहला क्या हुआ, विसर्जन विराम ना होकर परेड की समाप्ति होती है, यानी जो विसर्जन होता है ना वो समाप्त होता है। जैसे मैंने बोला ना, जैसे मान लीजिए परेड है, आपके सीनियर आपको रगड़ा दे रहे हैं, आपको रगड़ा दे रहे, लेकिन यहाँ से कमांडर साहब ने बोल दिया भैया, और मतलब आपके सीनियर ने बोल दिया, या आप जो आपको सिखा रहे हैं, जो मतलब जो भी सिखा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया क्या परे हो कंटिजेंट विसर्जन, तो आपको विसर्जन जो दे दिया ना, मतलब जो आपकी कार्रवाई हो रही है, जो आपको रगड़ा दे रहे हैं, मतलब लड्डू चाल सभी चलवा रहे, बंदा चाल हाथी चाल जो आपको बताऊंगा मोमेंट में, टाइप्स ऑफ मूवमेंट है ना, तो उसमें आपको जो भी कार्रवाई कर रहे हो आप खत्म कर देते हो, उसे तुरंत खत्म कर देते हो, उसके बाद फिर अगले दिन कार्रवाई चालू हो जाती है। तो मतलब समाप्ति होती है, परेड की समाप्ति होती है, ठीक है। विसर्जन जो है ना विराम ना होकर परेड की समाप्ति होती है। अब मैं विराम शब्द क्यों ले रहा हूँ सर, आप विसर्जन ही बोल दो ना डायरेक्ट, विसर्जन विराम ना होकर एक परेड की समाप्ति होती है। तो आपको बताऊंगा यहाँ से इसका लिंक है लाइन तोड़ से, ठीक है। पहला पॉइंट आपको लिंक लेके चलूंगा सारी चीज़। तो पहला पॉइंट होगा हमारा क्या, विसर्जन विराम ना होकर परेड की समाप्ति होती है। अब लाइन तोड़ में क्या होता है, लाइन तोड़ में मतलब यहाँ पर सारे परेड मतलब परेड वेड कर रहे हैं, आपका सीनियर है, आपने सीनियर ने बहुत रगड़ा दिया भैया, आपकी जो गर्ल्स हैं उनको बहुत रगड़ा दिया है ना, डड्डू मतलब सारी चाल चलवा दी भैया, मतलब पूरे एनिमल की जितनी भी मतलब स्पीसीज है ना सबकी चाल चलवा दी हमसे। अब भैया उसमें क्या होता है कि उन्हें फिर बोलते हैं, एक बोलता कोई भी गर्ल्स बोलते हैं मैम हाँ बोलो कितनी देर तक चलेगा, कह रहे बताओ अभी, कह रहे नहीं मैम पानी पीना है, अच्छा पानी पीना है, चलो फिर सबसे पूछते हैं कि रेज योर हैंड हु टू वाटर ड्रिंक द वाटर, तो सभी उठा लेते हैं, उस समय आपको ब्रेस्ट मिल जाता है, फिर तो बोलते हैं कि चलो 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, 5 मिनट के लिए क्या ले लो वेट ले लो, चलो आराम ना 5 मिनट के लिए पानी पी लो, तो भैया ऐसे भागते हैं पानी की टंकी पर जैसे मिलेगा नहीं कई बार ऐसे भी होता है, मैंने तो सोचा नहीं है कि तुरंत पानी पी लो ना तो आराम मिल जाता तुरंत। अब भैया तुम लगे हो 10वें नंबर लाइन पर, तो भैया और दूसरे नंबर पहला पहला आते हुए टाइम बीत जाएगा 3-4 मिनट, और पहले पी लिया तो 4 मिनट आराम कर लेगा। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग सोचने का तरीका है। तो आप 5 मिनट जो आपके सीनियर रगड़ा दे रहे हो 5 मिनट का टाइम दे दिया, तो लाइन तोड़ समाप्ति ना होकर एक विराम की स्थिति होती है, समझ रहे हो आप कहने का मतलब मेरा, समझ गए ना। तो लाइन तोड़ मतलब जो आपको सीनियर ने बोल दिया लाइन तोड़, आपके विसर्जन सीनियर ने बोल दिया विसर्जन, आपकी जो पूरी कार्रवाई है जो भी चल रही है रगड़ा वगड़ा सब दे रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन आपके परेड चल रही है, आपके सीनियर ने क्या बोल दिया लाइन तोड़, यानी लाइन तोड़ का मतलब आपको विराम दे रहे हैं थोड़े समय के लिए, वो पानी के लिए दे सकते हैं, इधर उधर जाने के लिए दे सकते हैं, वो सभी तमाम, ठीक है। तो लाइन तोड़ समाप्ति ना होकर विराम की स्थिति होती है, यानी आराम होती है। जैसे मैंने आपको बताया पानी हो गया, लुट गए वहाँ सभी, मतलब कुछ तो फैल भी जाते हैं, ठीक है। देखना आप जो फर्स्ट ईयर हो यार समझोगे चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना, जो और सेकंड ईयर देख रहे होंगे तो वो अच्छी चीज़ें से जानते होंगे, ठीक है। तो मतलब कमेंट में जरूर बताना मेरे को कौन कौन सेकंड ईयर थर्ड ईयर का, पता चले यार कौन कौन हमें देख रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। तो लाइन तोड़ इज नॉट अ टर्मिनेशन बट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जो टर्मिनेशन का मतलब समाप्ति ना होकर एक स्टेट स्थिति होती है आराम की, ये आपको ध्यान रखना है। और विसर्जन डज नॉट स्टॉप बट द परेड एंड्स, यानी जो विसर्जन है स्टॉप मतलब डज नॉट स्टॉप मतलब जो समाप्ति ना हो समाप्ति होती है बट द परेड एंड्स, ठीक है, आराम ना होकर विसर्जन होती है, समाप्ति की स्थिति होती है। दूसरा पॉइंट विसर्जन की बात करेंगे, तो विसर्जन के हुक्म पर, यानी अगर आपको जो विसर्जन का हुक्म मतलब ऑर्डर आपने दे दिया, मतलब आपके सीनियर हैं और यहाँ से आप प्रेयर कर रहे हो, तो आपके सीनियर ने दे दिया मतलब विसर्जन, तो उस समय आपको लाइन तोड़नी भी होती है, मतलब आपको जाना होता। अब ऐसे नहीं कि जैसे आपके सीनियर ने बोल दिया विसर्जन, और भैया इधर से उधर भाग रहे हैं, भैया उसकी मर्सिडीज से भी तेज या KTM के भी तेज और भाग रहे हैं भैया, तो ऐसे में नहीं प्रॉपर वे में जाते, जब आपके सीनियर ने बोल दिया विसर्जन तो आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको कार्रवाई करनी होती है, वो आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर थ्योरी के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़ना होता है, यानी यहाँ खड़े हो ना आप, और दाहिने मुड़, मैंने आपको बताया जैसे यहाँ खड़े हो तो आपको दाहिने यहाँ मुड़ना पड़ेगा यहाँ पर, तो दाहिने मुड़ गए, दाहिने मुड़ते हैं ना, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ गए, और फिर उसके बाद पैर अब पीछे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया छिक लेते हो तो छिक लोगे, उसके बाद यहाँ पर 2 कदम मारोगे, पहला लेफ्ट से, अब ध्यान रखना जो आपकी कार्रवाई जो भी शुरू होती है लेफ्ट पैर से एनसीसी में शुरू होती है, ठीक है, कोई भी कार्रवाई चाहे आगे बढ़ पीछे मुड़ दाया मुड़ मध्य से तेज चल, है ना, जैसे आप दाहिने मुड़े उसके बाद आपका एक पैर पीछे होगा, छिक से आगे ले आएंगे, उसके बाद फिर 2 कदम आगे चलोगे, 2-3 कदम आगे चलते हो, 1-2-3, उसके बाद थंब मारना होता है, फिर उसके बाद पैर ऊपर मतलब जैसे ये है ना ये पैर फ्लैट है तो आपको पंजे तो नीचे रखना है, एड़ी ऊपर उठा के जय हिंद बोलना पड़ता है, तो उसमें हमें क्या होता है फिर जय हिंद बोल देते हैं भैया, उसके बाद आप मतलब बंदर की चाल से भागिए, शेर की चाल से भागिए, चीते की चाल से भागिए, कछुए की चाल से भागिए, मेरे को उम्मीद करता हूँ कछुए की चाल से तो कोई नहीं भागेगा, है ना। और भैया अगर जो रुक गया तो आपके सीनियर काम दे देंगे, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस करा था मेरे को पता है,
ठीक है, जब हम फर्स्ट ईयर में करते तो हम अभी ऐसे करते, लेकिन हम थर्ड ईयर में आ गए तो हमारे फर्स्ट ईयर ऐसे ही करते हैं। तो चीज़ें मिलती है, सभी को रिस्पॉन्स है ना, वही कहते हैं कि एवरी एक्शन इज द रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ। तो यानी विसर्जन के हुक्मों पर दाहिने मुड़ में सैल्यूट करें, है ना, सैल्यूट मतलब अगर सीनियर अधिकारी है तो सैल्यूट करें, वरना सैल्यूट होता है एक पैर से, एक सैल्यूट होता है ऐसे और एक होता है पैर से सैल्यूट, ठीक है, वो जो कमांडर देता है उस टीम को सिखाने वाला। तो सैल्यूट करें, फिर 2-3 कदम आगे चलकर लाइन तोड़ देते हैं और परेड को तेजी से छोड़ देते हैं। बोला था मैंने तेजी से छोड़ेंगे, लेकिन कोई भी कछुए की चाल से नहीं छोड़ेगा, तुरंत भागेंगे तुरंत। तो हाँ ठीक है, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ विसर्जन, है ना, मतलब विसर्जन का आदेश पर सैल्यूट बाय टेकिंग ऑन राइट टर्न, यानी हम राइट टर्न लेंगे फिर सैल्यूट देंगे, देन आफ्टर टेकिंग 2-3 स्टेप अहिड आगे की तरफ एंड ब्रेक द लाइन, लाइन तोड़ेंगे एंड लीव द परेड ग्राउंड रैपिडली, तुरंत रैपिडली, है ना, ये सभी ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, लाइन तोड़ में, लाइन तोड़ के हुक्म पर, यानी आपको लाइन तोड़ का हुक्म मिल दिया तो आपको क्या होगा, लाइन तोड़ा है यहाँ पर तो दाहिने मुड़ना होता है, यहाँ भी दाहिने मुड़ना होता है, राइने मुड़ना होता है, फिर स्टेप लेने होते हैं एक दो, मतलब वही वहीं वहीं खड़े खड़े, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको मतलब एडी के, एडी नीचे होती है, एडी ऊपर हो जाती है, तो आपको वहाँ थम मतलब जाइन बोलना पड़ता है, ठीक है। ऑन द कमांड ऑफ द एंड ऑफ लाइन लेट्स ब्रेक द लाइन ऑन द राइट साइड, है ना, तोड़नी पड़ती है आपको, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें लाइन तोड़ में, ध्यान रखना इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता। अच्छा, दो चीज़ आपको समझनी है, क्या इसमें सैल्यूट, देखिए आपका अगर विसर्जन है, विसर्जन में सैल्यूट नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपके वहाँ ऑफिसर्स हैं वो उनको सिखा रहे हैं, तो आपको, आपको जो मतलब आपको टीम है उसको सिखा रहा है और कमांडर की एक देख रेख में सिखा रहा है, अंडर की मतलब जो आपके कमांडर ऑफिसर है, जो भी जेसी हो जाए, जिनको सैल्यूट तो जेसी से नायक सूबेदार से चालू हो जाता लगना, तो अगर वो सिखा रहे हो किसके अध्यक्ष में आप जो कर रहे हो वो आपके कमांडर के अध्यक्ष में कर रहे हो, तो आपको जो कमांडर है उनको क्या विसर्जन सब दे रहे थे आपके मतलब सीनियर, तो आपको जो सैल्यूट है मतलब जो आपको ना सैल्यूट देना होता है, ठीक है, अगर परेड ग्राउंड में मौजूद है तो आपको सैल्यूट देना होता है। मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर तीसरा पॉइंट बनाना है तो ध्यान रखना विसर्जन में सैल्यूट दिया जाता है, लेकिन लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक कार्रवाई समाप्त नहीं होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने परेड ग्राउंड में मार्च की लाइन को नहीं छोड़ते, यानी जो मार्च करते हैं, मार्च का मतलब मैंने आपको बताया था कि मार्चिंग करना है ना, रेगिस्तान भी अपना मार्च करता है, थार का मरुस्थल मार्च भी करता है ना, चलिए थार में है ना, थार का मरुस्थल मार्च करता है। और एक क्वेश्चन है आपसे मेरे, जो एक चेलिस्तान मरुस्थल है, चेलिस्तान मरुस्थल, जो चेलिस्तान मरुस्थल है कहाँ का मरुस्थल है, जैसे भारत में अपना थार मरुस्थल है, ठीक है, भारत का राजस्थान में, तो ऐसी चेलिस्तान मरुस्थल कौन से देश में है। साथ ही साथ मेरे को ये बताना, भारत दो प्रकार के डेजर्ट होते हैं, एक तो हो गया भारत का अपना गर्म थार मरुस्थल, मेरे को बताना ठंडा मरुस्थल मतलब जो कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट अपना भारत, भारत का कहाँ है, भारत का कौन सा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम बताना जरूर, मतलब उसका नाम लिख के जरूर बताना, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बताओगे। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विसर्जन एंड लाइन तोड़, तो आपको पूछ लिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, चाहे आपका ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, सी दे रहे हो, ठीक है, ए तो थोड़ा टफ हो जाता है चीज़ें लेके, लेकिन बी सी में जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बस इस कार्रवाई में इतना ही, यानी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझ में समझा दिया होगा, वीडियो के थ्रू और भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आपको और भी कोई क्वारीज है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मेरे को इसका आंसर बताना है, चेलिस्तान मरुस्थल किस देश का है, ठंडा मरुस्थल भारत का कौन सा, मैंने आपको गर्म बता दिया थार, और साथ ही साथ ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दाहिने चलेगा बाएं मुड़, इसमें से कौन सी कोऑर्डिनेट है, कौन सी एग्जीक्यूटिव कमांड है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन चलो, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियो बनी हुई है इसी सेशन में 2022 ABC सर्टिफिकेट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, और ध्यान रखना जो आपकी ये है ना, आपकी जो ये मैं आपको सिलेबस कराऊँ अभी, कॉमन पेपर सिलेबस करा रहा हूँ, कॉमन पेपर, कॉमन पेपर का मतलब इसमें जो मैंने आपको लिख रखा है आर्मी नेवी और एयर विंग, तीनों विंग का जो कॉमन पेपर है मैं आपको यहाँ पर पूरी तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन आर्मी की मैं पूरी तैयारी कराऊंगा जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो नेवी में स्पेशलाइज सब्जेक्ट और एयर विंग में जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कॉमन सब्जेक्ट तीनों के पढ़ाऊंगा, लेकिन आर्मी का जो कॉमन और स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो मैं पूरा पूरा कराऊंगा कवर, ठीक है, विद क्वेश्चन पेपर। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमारी वीडियो बन चुकी है, और भी जैसे एनसीसी स्टेट फ्लैग, एनसीसी स्ट्रक्चर, और आप जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है आरडीसी 2022 सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहता है कि आपकी जो भी क्वारीज है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने कैडेट्स होते हैं, क्या इवेंट होते हैं, वो सभी, तो आप जाके वीडियो सर्च कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ सच अच्छा होगा, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई विल अबाउट और आई विल आस्क लेटर सम स्लाइड, तो विल बी आई होप विल यू गिव द राइट आंसर इन द कमेंट्स बॉक्स, ऑल द क्वेश्चन इन रैपिडली रैपिडली डैट यू हैव टू वॉच वीडियो, ठीक है, तब तुरंत वीडियो देखते हो उसके तुरंत बाद रैपिडली मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जो भी चैनल से पहली बार जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले, वीडियो अच्छी लग रहा है लाइक जरूर करना, ये मेरे को फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडियन इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम लिंक है जो PDF प्रोवाइड की जाती है, आपकी जो भी क्वारी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।